हाय एवरीवन, ये वीडियो उन तमाम फ्रीलांसर्स के लिए है जो कि न्यू है, रिसेंटली फ्रीलांसिंग है जिन्होंने स्टार्ट किया। आपके जो मेंटोर्स हैं वो आपको बताते होंगे कि आप फेसबुक के ऊपर से या लिंक्डइन से आप क्लाइंट्स ले सकते हैं, क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। मोस्टली आप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर लोग पोस्ट करते हैं, फिर आप वहाँ पर उनको प्रपोजल्स भेजें। तो रिसेंटली मैंने एक ग्रुप के अंदर एक पोस्ट की कि मुझे वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए, और ज़्यादातर के जो कमेंट्स थे वो इस तरह के थे कि आई एम इंटरेस्टेड, इनबॉक्स मी, ठीक है, और आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, आई एम इंटरेस्टेड। तो इस तरह का जो कमेंट होता है ये एक हाईली अनप्रोफेशनल है। अगर आप वर्डप्रेस एक्सपर्ट हैं या जो जॉब दी गई है वो आप कर सकते हैं तो प्रॉपरली उसको पढ़ें। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि आई नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर, प्लीज इनबॉक्स मी योर सीवी, तो यू हैव टू सेंड सीवी, नॉट जस्ट से कि आई एम इंटरेस्टेड या फिर इनबॉक्स मी। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि इनबॉक्स मी, मुझे काम चाहिए, इनबॉक्स मी? आपको काम चाहिए तो आप खुद इनबॉक्स करते हैं, रीच आउट टू दैट पर्सन, उसके मसले का हल बताएं उसे कि अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आपने क्या क्या काम किया हुआ है या वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। वैल्यू बताएं कि अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो वो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव होगी, मॉडर्न होगी। इस तरह से आप उन्हें मैसेज करें, इस तरह से नहीं कि आई एम इंटरेस्टेड इनबॉक्स मी। अगर आप ये लिखेंगे तो आपके चांसेस वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं जो जॉब आपको मिलनी होती है। अगर आप जिस जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं, ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं वो जॉब, बट आपकी कम्युनिकेशन शुरुआत यहीं से होती है कि आई एम इंटरेस्टेड या इनबॉक्स मी, तो वहाँ पर आप लूज़ कर जाते हैं काफ़ी सारा बिजनेस। एज एन एम्प्लॉयर या फिर एज अ बिजनेस, अगर मैं कोई जॉब पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई मुझे बंदा चाहिए, तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कि मुझसे रीच आउट करे, मुझे अपने बारे में बताए, अपना प्रोफाइल शेयर करे। ऐसा नहीं बंदा चाहिए जो मुझे कहे कि इनबॉक्स में मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल करें। इस तरह से नहीं होता, दिस इज नाउ हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू रीच आउट प्रॉपरली। और फिर उसके बाद जब पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है, फेसबुक पोस्ट या लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इनबॉक्स में योर सीवी, तो यू हैव टू सेंड योर सीवी, नॉट जस्ट से आई एम इंटरेस्टेड या इनबॉक्स में। आप लूज कर जाते हैं, आपको आपकी ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आप इस तरह का बिहेवियर शो करें इनिशियली, आपकी कम्युनिकेशन इस तरह से हो कि इनबॉक्स में या आई एम इंटरेस्टेड, सही है? अच्छा, उसके बाद फिर जब आप रीच आउट कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आप हेलो हाय लिखें और उसके बाद रेफरेंस दें कि आप कैसे रीच आउट करें। आप उसे बताएं कि मैंने फिलहाल ग्रुप के अंदर आपकी पोस्ट देखी, आपको वर्डप्रेस का बंदा चाहिए, तो आई एम वर्डप्रेस डेवलपर विद फिलहाल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या मेरा ये काम है, यहाँ पर मेरा आप जो है पोर्टफोलियो देख सकते हैं, सही है? उसके बाद आप उसे बताएं कि मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊंगा, आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, क्वेश्चन। फिर उसके बाद आखिर में आप उसके अंदर कॉल टू एक्शन बटन डालेंगे। इस तरह से प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन शुरुआत होती है। इसी चीज़ को देख के आपको क्लाइंट्स मैसेज का रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इनबॉक्स मी, तो ऑनेस्टली फिर आप चाहे कितना भी अच्छा प्रपोजल मैसेज के अंदर लिखें, शायद आप ड्रॉप होने के चांसेस आपके ना बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो की इज़ के कम्युनिकेशन आपकी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। जब आप किसी को, आप क्योंकि आपको जॉब चाहिए, अगले बंदे को जॉब नहीं चाहिए, आपको जॉब चाहिए तो आप अगले बंदे को रीच आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब चाहिए, हाँ जानी मुझे जॉब चाहिए, मुझे कॉल कर ज़रा, इस तरह से नहीं होता, ठीक है? यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू सेल योर सेल्फ, क्योंकि अभी मीडियम जो है आपका कम्युनिकेशन वो चैट है या फिर मैसेज है या फिर कमेंट है, तो कमेंट के अंदर भी वैल्यूएबल कमेंट लिखे, यार आई एम इंटरेस्टेड मतलब व्हाट, इस तरह से चीज़ें नहीं चलती, इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। खैर, तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी को कम्युनिकेट करें तो प्रॉपरली कमेंट करें या प्रॉपरली मैसेज करें। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।